कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.2 आज हम इसका 13वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। इसके लिए हम देखते हैं 7 का पहाड़ा। यदि आप 7 का पहाड़ा देखेंगे तो हमारे पास आता है 14 × 7 = 98 और 15 × 7 = 105। इसका मतलब छोटी से छोटी तीन अंकों वाली 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या है 105। यानी कि हमारी जो एपी शुरू होगी वो होगी 105 से। उसके बाद 7 का पहाड़ा है तो इसमें 7 प्लस कर दो तो ये बन गया 112, अगला हो गया 119 इस प्रकार से। और ये एपी कहाँ तक चलेगी उसके लिए हम देखते हैं। बड़ी से बड़ी तीन अंकों वाली संख्या है 999, इसको हम 7 से भाग करके देखते हैं। 7 × 7 हासिल आया 2, ऊपर से उतारा 29, 7 × 28 हासिल आया 1, ये है 19, 7 × 14 और यहाँ 5 फालतू बच गए। इसका मतलब 999 में से 5 माइनस कर दो तो ये आ गया 994। बड़ी से बड़ी संख्या तीन अंकों की संख्या जो 7 के पहाड़े में आती होगी वह होगी 994। यानी कि यह जो हमारी एपी है यह आगे जाएगी 994। इस एपी को बच्चों ध्यान से देखना, इसमें सबसे पहला रकम पहला पद यानी ए आ गया है 105, क्योंकि हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं इसलिए डी होगा 7। यदि आप वैसे भी देखें तो 112 में से 105 निकाले तो वह आएगा 7। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है एन। एन हमारे पास है 994, यानी कि यह एपी 105 से शुरू हुई, 112, 119, 7 प्लस करते 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 अखीर में जो इस एपी का आखिरी पद होगा वो होगा 994। यानी कि एन है 994 के बराबर। यानी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यह बराबर है 994 का, 94 के बराबर। और इसमें से हम ए और डी का मान इस इक्वेशन पे रखेंगे और हमारे पास एन का मान आ जाएगा। आइए देखिए, ए है 105 तो यहां लिखूंगा 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी है 7 के बराबर, ये बराबर होगा 994। आइए हम इसे आगे देखते हैं, 105 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये 994 में से माइनस हो जाएगा और यहां बच जाएगा n माइनस 1 गुना 7। ठीक है, आगे देखिए, 994 में से 105 हम माइनस कर देते हैं, 14 में से 5 निकाले 9, 8 में से 0 निकाला 8, 9 में से 1 निकाला 8 और यहां पर हमारे पास है n माइनस 1 गुना 7। आगे बढ़ने से पहले हम इसकी एक तस्वीर खींच लेते हैं। आइए बच्चों अब हम इससे आगे देखते हैं, हमारे पास वहां इक्वेशन है n माइनस 1 बराबर 899, 7 उधर ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है जो कि यहां अंतर हो जाएगा भाग, ये आ गया n माइनस 1 बराबर, इसको काट दीजिए 7 × 7, 8 में से 7 निकाले 1, 1 और 8 18, 7 × 14, 18 में से 14 निकाले 4, 4 और 9 49, तो 7 × 7 = 49, तो ये आ गया n माइनस 1 बराबर 127। n किसके बराबर आ गया 127, 1 इधर माइनस हो रहा है इधर जाके हो जाएगा प्लस और n बराबर आ गया 127 प्लस 1 128 के बराबर। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था 7 से विभाज्य तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो इसका उत्तर है 7 से विभाज्य तीन अंकों वाली 128 संख्याएं होंगी। तो हम इसके उत्तर में लिख देंगे 128 संख्याएं। तो यही हमारा उत्तर है।